हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट हम कर रहे थे कि कैसे हम क्या है ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, आइकन को कहता रिमूव करना है, रिमूव कैसे करना है, हम क्या है ड्रैग कर सकते हैं रिसाइकल बिन में, या हम क्या है इसके ऊपर क्या है राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास क्या है डिलीट की ऑप्शन आती है, हम डिलीट करेंगे। देन अगेन ये रिसाइकल बिन में चला गया, वहाँ से हम फिर क्या है इसको ड्रैग करके कहाँ पर भेज सकते हैं, हम डेस्कटॉप के ऊपर भेज सकते हैं। तो ईज़िली हम क्या है इनको क्या है ड्रैग करके आइकन्स की मूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास चेंज आइकन पिक्चर। हम क्या है जो आइकन है हमारे इनकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आप देख रहे हो ये गूगल क्रोम है, इसकी अब हमने ये जो सर्कल वाली पिक्चर आ रही है इसको चेंज करना है। इसके लिए हम इसके ऊपर क्या है राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम लास्ट पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो आप चेंज आइकन की ऑप्शन आ रही है। तो अब क्या है ये आइकन अवेलेबल है मेरे पास जो क्या है मैं चेंज कर सकती हूँ। करंटली मेरा आइकन कौन सा है, ये वाला है। अब सपोज़ मैंने ये येलो वाला करना है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके, देन अगेन अप्लाई, ओके। ये देखो आप मेरा क्या है जो आइकन था पहले कलरफुल था, अब क्या हो गया येलो कलर में आ गया। ठीक है, वैसे ही ये पिकासा है मेरे पास। ठीक है, इसका मैंने आइकन चेंज करने में इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगी, राइट क्लिक करके चेंज आइकन करूंगी। ये देखो डिफरेंट आइकन्स मुझे शो हो रहे हैं, बट इसमें क्रॉस टिक आ रहा है, आई थिंक ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम कोई और आइकन एक चेक करके देखते हैं। ये VLC है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं चेंज आइकन। तो इसमें भी कोई और आइकन की पिक्चर नहीं है, सो एक ही है तो यही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है डिफरेंट आइकन्स की ऑप्शन होंगी, वहाँ पे हम क्या है चेंज कर सकते हैं। हम PDF की फाइल में जाते हैं, इसमें क्या है हमारे पास इसमें नहीं है बैंडीकैम की। देखिए हम बैंडीकैम की चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, चेंज आइकन है इस पर, इसमें बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं। तो हम क्या है ये वाला, ये ग्रीन वाला सेलेक्ट करते हैं जैसे, तो इसको हम क्या है अप्लाई करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा जो बैंडी कैम था ये ग्रीन कलर का हो गया, पहले रेड था। ठीक है, तो कहता हम क्या है जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, आइकन की पिक्चर है सॉरी आइकन की जो पिक्चर है उसको हम क्या है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कहता आइकन्स होंगे जहाँ पे हमारे पास क्या है लिस्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हम क्या है अपनी ओर से एडिशनल आइकन्स नहीं काउंट ऐड कर सकते हैं। जो आइकन्स की शेप्स या हमारे पास कलर्स ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं, उनमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेन्यू। तो कहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो में स्टार्ट मेन्यू होते हैं जो क्या है प्राइमरी लोकेशन होती है, कहता है इन विंडो, कहते हैं इसमें हमें पता चलता है कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है या हम कोई भी फाइल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक ये। ठीक है, ये हमारा क्या है स्टार्टअप मेन्यू है। तो इसमें क्या है हमारे पास क्या है हम बैंडीकट है, होम पेज है, बैंडीकैम है, तो मुझे क्या है जो मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं, ठीक है, या ABC से देखो आप, देखो आपको शो हो रहे हैं कौन कौन से मेरे पास प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं, कौन कौन से मेरे पास क्या है ऐप्स हैं इसमें, तो वो सारी डिटेल मुझे शो हो रही है। ठीक है, A से लेके Z तक जो मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं वो क्या है अलग से मुझे शो हो रहे हैं। अगर मैंने कुछ भी सर्च करना है तो मैं यहाँ पर कोई भी फाइल अपनी सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, लाइक मैंने बैंडीकैम ही लिखा, ठीक है, तो ये मुझे क्या है शो हो गया। ठीक है, मेरे साथ क्या है अभी मैंने प्रॉपर लिखा नहीं था, बट उसने क्या है मैच करके मुझे शो कर दिया कि आप अगर बैंडीकैम लिखना चाहते हैं, अगर मैंने बैंडीकैम ही लिखना था तो मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, तो हमें क्या है हेल्प मिलती है, हम ईज़िली क्या है असेस कर सकते हैं फाइल्स को। उसके बाद क्या है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, हमें स्टार्ट प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, ओपन कॉमनली यूज्ड फोल्डर होता है, हमने कॉमनली कौन से यूज़ कर रहे हैं, हम फाइल फोल्डर को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर की सेटिंग्स हमने कुछ करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है हमारे पास कहता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कोई हेल्प लेनी है, टर्न ऑफ करना है हमने अपना कंप्यूटर, तो यहाँ से रीस्टार्ट शर्ट या स्लीप कर सकते हैं। ठीक है, लॉग ऑफ करना है विंडो को, स्विच करना है डिफरेंट यूज़र्स पे,
पीसी पे क्या होता है, हमने जो हमारी रैम होती है उसको टू यूज़र्स में डिवाइड किया होता है, तो हम क्या है एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे स्विच भी कर सकते हैं। तो कहते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद स्टार्ट मेन्यू, तो कहता है ओपन करने के लिए हम क्या है स्टार्ट मेन्यू पे जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है उस पर क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है। तो कहता है ये विंडो की शेप का होता है, ये हमारे पास क्या है, आप अपने कीबोर्ड पे भी नज़र थोड़ी घुमाना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है इसी शेप का एक बटन भी होता है हमारे कीबोर्ड पे, ठीक है। वहाँ पे भी अगर मैंने अभी यहाँ पे विंडो पे स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं किया था, मैंने अपने कीबोर्ड से अगर मैं क्लिक कर रही हूँ विंडो के बटन पे, तो भी ये विंडो मेरे पास क्या है ओपन हो जाती है। अब कहता दी लार्ज लेफ्ट पेन शो दी शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर, अगर मैं क्लिक करती हूँ ये लार्ज लेफ्ट साइड पे जो विंडो शो हो रही है ये मेरे पीसी पे कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। मैं इसको मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्टॉल किए हैं वो है, या मैंने कुछ ऐड किए हैं वो है, मैं इनको कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो कहता हमें पता चलता है कि हमारे क्या है कौन कौन से, कहता हमारे पास प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, हर एक पीसी में ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट पैन ऑफ द सर्च बॉक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है सर्च बॉक्स आता है, जहाँ पे हम कोई भी फाइल है उसका नाम टाइप करके हम उसको क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट पैन प्रोवाइड अस द कॉमनली यूज्ड फोल्डर, कहता है अभी लेफ्ट साइड पे हमने क्या है कॉमनली यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे प्रोग्राम, हमें क्या है वो शो करता है जो हम क्या है रूटीन बेसिस पे कहता करते हैं, कोई फाइल है, फोल्डर है, फीचर्स है। तो कहता है इसके बाद हमारे पास कहता है लॉग ऑफ विंडो आती है, ठीक है, जहाँ से हम क्या है टर्न ऑफ कर सकते हैं, ये सेटिंग्स का बटन है, ठीक है, ये हेल्प का बटन है। तो कहते हैं ये हमें क्या है कहता हम ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।